नमस्कार, क्विक न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे वैश्विक कल्याण का केंद्र बनेगा WHO GCTM। आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए WHO GCTM को वैश्विक कल्याण के केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही है। WHO GCTM WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित WHO हेडक्वार्टर जिनेवा का एक प्रमुख केंद्र है। ये आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा जामनगर गुजरात में स्थापित पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र है। ये WHO के सदस्य देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। दवाओं के विकास और पारंपरिक दवाओं के बारे में साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा ये स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडे के विकास और आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों को स्थापित करने और देशों की तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। पारंपरिक चिकित्सा में नैदानिक अभ्यास और प्रोटोकॉल के लिए अनुसंधान पद्धति मानकों को स्थापित करना और मानकों को विकसित करने के लिए अग्रणी तौर पर काम करेगा। पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रभाव का आकलन करने के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश विकसित करने में भी देशों की सहायता करेगा। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसे 1948 में स्थापित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों, लोगों को जोड़ती है। WHO का प्रमुख मिशन है कि हर कोई हर जगह स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।